हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं। अगर किसी फंक्शन, किसी वेक्टर फंक्शन है ना, किसी वेक्टर फंक्शन का अगर हमको डाइवर्जेंस फाइंड करना है, हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है एफ फंक्शन, ओके, और इस वेक्टर फंक्शन का अगर हमको डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब हमको डेल के साथ में इस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। क्या करना होगा? डेल के साथ में इस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, ये हमको पता है, ओके। और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है एफ वेक्टर, अगर बोल्ड लेटर में लिखा है तो वेक्टर फंक्शन है। तो वेक्टर फंक्शन एफ इज इक्वल टू आर रेस्ट पावर एन आर वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर रेस्ट पावर एन इंटू आर वैक्टर, ठीक है। अब ये आर वैक्टर क्या है? आर वैक्टर है पोजिशन वैक्टर, दैट इज एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ओके। और आर क्या है? आर इसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर वन बाई टू, ओके। मतलब ये जो एफ फंक्शन हमको गिवन है, ये गिवन है आर रेस्ट पावर एन, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर वन बाई टू और इसका पावर एन, रेस्ट पावर एन अगेन। और आर वेक्टर मतलब कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ओके। ये हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। तो एफ वेक्टर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो एन बाई टू हो जाएगा और हम इसे लिखेंगे एक्स आई के, ओके। प्लस फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू वाई जे के, सेम एज इट इज। जेड कंपोनेंट भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू जेड के। तो ये जो फर्स्ट टर्म हमको मिला है, हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म जो हमको मिला है दैट इज एफ ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म मिला है ये एफ ऑफ वाई, और थर्ड टर्म जो मिला है वो एफ ऑफ जेड हमको मिला है। हमको पता है कि अगर इसका डाइवर्जेंस हमको फाइंड करना है, मतलब कि डेल डॉट एफ हमको फाइंड करना है, मतलब कि डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाय डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाय डेल जेड हमको फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स मिला है, ये वाला जो टर्म है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये वाला टर्म जो है हमारा एफ ऑफ वाई है, और ये वाला टर्म जो है वो एफ ऑफ जेड है। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमको मिलेगा एफ बाई एफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास में हमको समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ओके। हियर वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस नाउ दिस एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, सो यू हैव टू टेक दिस एन बाई टू पावर इंटू मल्टीप्लीकेशन, सो एन बाई टू, यहाँ पर एन बाई टू आया। फिर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर हमको मिलेगा एन बाई टू माइनस वन, ओके, एन बाई टू माइनस वन। अब हमको चेन रूल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा,
ओके तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिला। इस एक्सप्रेशन को हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो हमको यहाँ पर ये जो डेल एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स मिलने वाला है, वो होगा एक्स रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू पावर एन बाई टू, ओके रेस्ट टू पावर एन बाई टू इन टू प्लस, यहाँ पर प्लस लगाएंगे प्लस, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इंटू एन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन, ये हमको अभी तक मिला है। ओके आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। ओके तो ये हमारे पास में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आया, अब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक्स की जगह केवल वाई को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो डेल एफ ऑफ वाई बाय डेल वाई अब हमारे पास में होगा, ये टर्म तो एज इट इज़ होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू, तो एज इट इज़ ही होगा, ये टू से टू यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिलेगा प्लस एन एक्स स्क्वायर की जगह वहाँ पर मिलेगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन। ओके सिमिलरली इफ वी आर फाइंडिंग दिस डेल एफ ऑफ जेड बाय डेल जेड विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू प्लस एन, यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन। ओके तो ये तीन टर्म हमको मिला। अब हमको डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए डेल डॉट एफ फाइंड करने के लिए, डेल डॉट एफ फाइंड करने के लिए हमको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है इट इज़ इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ ऑफ वाई बाय डेल वाई प्लस डेल एफ ऑफ जेड बाय डेल जेड, मतलब इन तीनों का एडिशन। ओके इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर डेल डॉट एफ हमको मिलेगा पहला टर्म, पहला टर्म इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये तीनों टर्म तो सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू। ओके अब यहाँ पर जब हम तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एन, और ये सारी चीज़ें कॉमन आ जाएगी, मतलब एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है यहाँ फर्स्ट टर्म से हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म से हमको क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म से हमको क्या मिलेगा जेड स्क्वायर, है ना। तो इस कैलकुलेशन को हमने बहुत इजी बना लिया। ओके अब यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू पावर वन आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो ये माइनस वन और वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल डॉट एफ अब हमको मिला थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू। अब इन दोनों में से हम जो कॉमन चीज़ें हैं उसे कॉमन ले लेंगे, तो हमको कॉमन मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट पावर एन बाई टू, और यहाँ बचेगा थ्री और यहाँ बचेगा एन, तो ये हमारा डाइवर्जेंस आया। ठीक है डाइवर्जेंस हमारा क्या आया, फाइनल आंसर हम रेड कलर से लिखते हैं, फाइनल आंसर डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारे पास में आया एन प्लस थ्री इन द ब्रैकेट, और ये है आर रेस्ट पावर एन बाई टू। ओके आर रेस्ट पावर एन, ओ नो 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 नो, दिस इज आर, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका पावर वन बाई टू, और इसको लिख सकते हैं एन। ठीक है तो डेल डॉट एफ हमको क्या मिला, हमको मिला एन प्लस थ्री, और ये है आर रेस्ट पावर एन। ओके ये हमको मिला। ठीक है दिस इज़ आवर आंसर। और अगर क्वेश्चन
को हम और थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो अगर ये डाइवर्जेंस ज़ीरो आ जाता है, अगर ये डाइवर्जेंस ज़ीरो आ जाता है, एफ डेल डॉट एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ कॉल्ड सोलेनोइडल फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? सोलेनोइडल फंक्शन। अगर ये डाइवर्जेंस ज़ीरो आता है तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे सोलेनोइडल फंक्शन। क्या कहेंगे? सोलेनोइडल फंक्शन। तो अगर ये डाइवर्जेंस ज़ीरो है, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? n प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, n का वैल्यू माइनस थ्री के बराबर होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन हमको गिवन था उसमें n का वैल्यू अगर माइनस थ्री के बराबर है तो वो सोलेनोइडल फंक्शन होगा, है ना, और वो हमने डाइवर्जेंस की हेल्प से सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हम बहुत ईजीली सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और भी हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको आगे के लेक्चर मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।